आइए भक्तों, आज हम आपको माँ नव दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री मैया की पावन कथा सुनाते हैं। सिद्धिदात्री की कहानी भक्तों सुन लो, बड़ी पुरानी है महान जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। सिद्धिदात्री की कहानी भक्तों सुन लो, बड़ी पुरानी है महान जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। सिद्धिदात्री मैया नवरात्रों के नौवे दिन पूजी जाने वाली देवी है। ये भी माँ पार्वती का एक स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, सिद्धिदात्री माँ के पूजन से अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है। तो सुनते हैं माँ की पावन पवित्र कथा। सिद्धि की देवी माँ कल्याणी, नव निधि देती माँ वरदानी। गुण से भरी माँ ममता की देवी, मांगो तो सबकी झोलियाँ भरती। सिद्धिदात्री देने वाली, सब पे कृपा करने वाली कर कल्याण जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। मैया का नौ मन राखा, माँ सिद्धिदात्री की जय हो। मैया का नौ मन राखा, माँ सिद्धिदात्री की जय हो। भक्तजनों, सिद्धिदात्री मैया की कथा पौराणिक रूप से देवताओं और असुरों के संग्राम से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब महिषासुर दानव उसके आतंक से देवता आदि त्राही त्राही कर रहे थे, तब सारे देवगण मिलकर के त्रिदेवों की शरण में आए थे। संयम धारा तब थी टूटी, क्रोध की अग्नि मुख से फूटी। आंखें लाल थी, भौहें तन गई, जैसे मानो किस से ठन गई। ब्रह्मा विष्णु शक्ति दिखाते, अपना क्रोध वो बरसाते। हो प्रकाश जी, सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। इतना सुनकर भगवान शिव ने अपना क्रोध प्रकट किया। भक्तों, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति पुंज बन गई और उस शक्ति पुंज से एक देवी का निर्माण हुआ, जिसका नाम सिद्धिदात्री रखा गया। मतभेद के अनुसार ऐसे ही अन्य माताएं भी प्रकट हुई थी। सिद्धिदात्री तब प्रगटाई, रंग भूमि में लड़ने को आई। महिषासुर को मारने वाली बलशाली माँ
शक्तिशाली। दानव सारे मार गिराए, देवों ने ते पुष्प चढ़ाए की जयकार थी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। भक्तजनों, देवी सिद्धिदात्री अत्यंत शक्तिशाली है। सभी देवी देवता ऋषि मुनि गण सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। ये भी कहा जाता है भक्तों कि भगवान भोलेनाथ को विशेष सिद्धियां भी माता सिद्धिदात्री ने दी हैं। शिव शंकर ने पूजा की सिद्धि शक्ति माँ से लीनी, जप तप की ना ध्यान लगाया, शक्ति का विस्तार भी पाया। सिद्धिदात्री महिमा गाई, माँ के बल से सिद्धि पाई, बन सब काम जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ ने माता सिद्धिदात्री का पूजन किया, तब माता के प्रभाव से उनका आधा शरीर नारी में परिवर्तित हो गया था। इसी कारण भगवान शिव महादेव को अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजा जाता है भक्तों। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आगे की कथा। अर्धनारीश्वर तब कहलाए, नारी रूप शिव शंकर पाए। सिद्धिदात्री शुभ वर दीना, असुरों से तब लोहा लीना। तब ही योग साधना पाई, जिसका फल था बड़ा सुखदाई, स्वर्ग समान जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। मैया सिद्धिदात्री का पूजन नवरात्रि उत्सव के अंतिम यानी नौवें दिवस किया जाता है। कुछ मान्यताओं का ऐसा कहना है कि तांत्रिकों के लिए भी माता सिद्धिदात्री का पूजन अत्यंत हितकर होता है। उन्हें अनेक अनेक सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। सिद्धि मंत्र सब इनसे मिलता, मन इच्छा फल इनसे मिलता। जो विधिवत कर लेता पूजन, उसका महके जीवन आंगन। नौवा दिन है बड़ा शुभकारी, जिसके चरणों में हितकारी होता काम जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा।
भक्त जनों, मैया सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत पावन है। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री के शीश पर स्वर्ण मुकुट है, हाथों में गदा, कमल पुष्प और शंख विराजते हैं। माँ का आसन कमल का पुष्प है। भक्तों, वर मुद्रा और अभय मुद्रा में माँ के हाथ हैं। सिद्धिदात्री रूप मनोरम, माँ की कृपा अति है अनुपम। शंख चक्र और गदा है सुहाए, कमलासन मैया को भाए। मैया का श्रृंगार निराला, सारी सृष्टि में है आला, है महान जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। मार्कंड्य पुराण के अनुसार मैया सिद्धिदात्री से जो सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार से हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पारलंबा और ईशित्व, ये सभी सिद्धियां भक्तों को प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि मां देती, नवधा भक्ति भाषा सिखाती। जीवन सबका सफल बनाती, मोक्ष का द्वारा माँ दिखलाती। जो भी विधिवत लेता नाम मैया, करती है भव पार करती काम जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। मैया सिद्धिदात्री को मनाने वाला भक्त कभी दरिद्रता में नहीं जीता। ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई मंशा उसकी नहीं होती जो पूर्ण नहीं हो जाती। मैया सिद्धिदात्री अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनकी समस्त सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखती हैं। इच्छा पूर्ण सारी करती, भक्तों की झोली कृपा से भरती। सुख सुविधा का भोग कराए, जीवन नैया पार लगाए। जो भी मन से लगाए ध्यान, जो भी करता है गुणगान, सुनती बात जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। मैया सिद्धिदात्री सभी सुखों की दाती है। भक्तजन नवरात्रों में नौवें दिवस बड़े प्रेम से माता रानी को मनाते हैं तथा अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। और माता रानी भी इतनी दयालु है कि शरण में आए हुए भक्तों की हर इच्छा को मैया पूर्ण करती है। सिद्धिदात्री शक्तिशाली
फलदाई माँ बड़ी बलशाली, बीज मंत्र में भेद छुपा है, जिसके रतन से सब मिलता है। अक्षत रोली तिलक लगाओ, सारे मनोरथ सिद्ध कराओ, पूर्ण काम जी सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। वेद पुराणों के अनुसार एक कथा ऐसी भी आती है भक्तों, जिसमें एक साहूकार था, उसकी पत्नी 5 सालों से बांझ थी, संतान न होने के कारण दुखी रहती थी, सभी उसको ताने दिया करते थे, वो जीवन में घुट घुट कर जीती थी और अपने नसीब को कोसा करती थी। नीर बहाती रोती जाती, विपदा अपनी किसको बताती, विपदा उसकी कैसे टलती, आखिर खुशियाँ कैसे मिलती। करता बोलो कौन निदान, उसके बनते ना ही काम, बिगड़ी बात जी सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। तो भक्तों, तब अश्विन मास के नवरात्रे आए, वह मंदिर गई, उसने बहुत सच्चे मन से अपनी भावनाएं माता के चरणों में रखी और नवरात्रों का व्रत धारणे का प्रण भी लिया। जब उसने देखा कुछ स्त्रियां पूजन कर रही हैं, उत्सुक होकर उनसे पूजा की विधि पूछने लगी। नवरात्रि के व्रत बड़े पावन, फल देते सब को मन भावन, 9 दिन माँ की कर लो पूजा, दाती कृपा से सब कुछ मिलता। उसने विधि को सारी जाना, माँ को ही अपना था मान, लिया पहचान जी सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। तो इस तरह भक्तों, सभी से नवरात्रि का विधि विधान जानकर वो स्त्री घर आई और उसने 9 रात्रों का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखा, पूरी 9 देवियों को मनाया, उनकी आराधना की और माता सिद्धिदात्री की कृपा से 1 वर्ष में उसको 1 पुत्र मिला। सिद्धिदात्री कृपा पाई, माँ ने उसकी आस पुराई, पुत्र रतन धन घर में आया, रोता चेहरा था मुस्काया, गूंजी आंगन में किलकारी, पूरी हुई मुरादें सारी, बन गए काम जी
सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा। तो भक्तजनों, ये थी मैया सिद्धिदात्री की पावन कथा। यदि कथा के श्रवण में, वाचन में कोई त्रुटि रह गई हो तो माता रानी हमें क्षमा करें। हम माता रानी के अनन्य भक्त हैं और नवरात्रों में तो मैया के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आइए भक्तों, मैया के चरणों का ध्यान धरें। कथा ये पावन सुने जो सुनाए, माँ चरणों में ध्यान लगाए। जिसने गाई माँ की महिमा, जग में बढ़ गई उसकी गरिमा। तुम भी माँ का वंदन गाओ, अपने सोए भाग जगाओ, हो भवपार जी। सिद्धिदात्री की सुन लो कथा, दूर होंगी सारी व्यथा।